फी किताब, तो आपकी खिदमत में गुजारिश है जो अहबाब ये लेना चाहें वो ज़रूर लेकर जाए। सामीन मोहतरम, मैं अब आखिर में तकरीर के लिए दावत देने वाला हूँ। नात खानी ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनी है और तकरीर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को सुनाई है। सुनने में और सुनाने में बड़ा फ़र्क है। नात खानी सुनना ये सुन्नत मुस्तफ़ा है और तकरीर अपने गुलामों को सुनाना ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फेल मुबारक है और इसकी बड़ी अजमत है। और फिर हकीकत यह है कि एक आलम दीन बनने के लिए बड़ा ज़माना खाक छानना पड़ती है, बड़ा ज़माना खाक छानना पड़ती है, फिर चटाइयों पर बैठना पड़ता है, फिर रूखी सूखी खानी पड़ती है, फिर हर किस्म की बातें बर्दाश्त करना पड़ती है। और तवील ज़माना आदमी रातें जागता है और दिन भी जागने होते हैं और परेशानियां उठाने के बाद बहुत देर के बाद एक आलम दीन बनता है। और उस आलम दीन की अजमत को इसीलिए तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो मेरे दीन का एक सिपाही एक मुजाहिद जिस वक्त उसकी बाद में तो शान बड़ी आला होगी, उसकी इब्तदाई शान यह है जिस वक्त एक तालिब इल्म दीन इस्लाम के हुसूल के लिए दीन की तालीम के लिए घर से बाहर कदम रखता है उसकी शान ये होती है कि अल्लाह के फरिश्ते उसके पांव के नीचे अपने पर आकर रखने शुरू कर देते हैं। अल्लाह के दीन के मुहाफिज, खुदा के दीन के सफाई आ और तू हमारे परों पर चल कर जा। तकरीर के लिए तशरीफ लाते हैं फखरु सादात आलम नबील बुजुर्ग आलम दीन जिगरगोशा रसूल हजरत अल्लामा पीर सैयद तालिब हुसैन शाह साहब गर्देजी तशरीफ लाते हैं और मैं उनकी खिदमत आलिया में गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात आलिया से हमें मुस्तफ़ीद फरमाएं। आपकी आमद से पहले नारा नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, अजमत मुस्तफ़ा, मिलाद मुस्तफ़ा, सादात कराम, सादात कराम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा व जअलहु शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा वस्सलातु वस्सलामु अला मल्ला नबी बादहु अबदा व अला आलिही व अस्हाबिही व अज़वाजिही व इत्रतिही व अबनाइही व बनातिही أحبابه إلى يوم القيامة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول أنفسكم عزيز عليه ما عنتم
حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين لنا شمس وللآفاق شمس لنا شمس وللآفاق شمس شمسي خير من شمس السماء شمسي خير من شمس السماء شمس الدنيا تطلع بعد فجر شمس الدنيا تطلع بعد فجر شمسي تطلع بعد العشاء شمسي تطلع بعد العشاء انتہائی قابل قدر صدر محفل حضرت صاحبزادہ صاحب قابل قدر واجب التعظیم و تکریم حضرات علماء اہل سنت ثناخوان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حاضرین محفل اس وقت بحمد اللہ تعالی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی تشریف آوری اور محفل میلاد دے حوالے نال نماز عصر تو لے کے ہن تک تساں نے سیر حاصل نظم نثر دے اندر کمالات رسول سماعت فرمائے میں حاضرین و سامعین حضرات نو مبارک پیش کرنا کہ اتنی طویل محفل دے اندر انتہائی دلجمی دے نال بیٹھنا اور توجہ نال کلمات رسول علیہ الصلوۃ والسلام دی شان دے اندر جڑے کہے گئے انہاں نو سننا اے عشق رسول دا نتیجہ ہے اللہ رب العالمین اس دے اندر مزید برکت اور اضافہ فرمائے حضرات محترم اے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی پاک محفل ہے سرکار دے میلاد دی محفل ہے میلاد کی اس چیز ہے حضرات محترم میلاد دا معنی یہ ہے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت با سعادت حضور دے آنے دا ذکر کیتا جائے اسی سرکار دا میلاد منا دے ہاں کہ حضور تشریف لے آئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد ہوئی حضرات محترم رب ذوالجلال دی ذات پاک نے قرآن کریم دے اندر سرکار دا میلاد اس طرح منایا
कि तुहाडे पास मेरा अजमत वाला रसूल आया, लोगों तुहाडे पास मेरी तरफों अजीमुशान बुरहान आई, तुहाडे पास अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफों एक नूर आया। अल्लाह ताला दी जाते पाक ने इस तरह मिलाद मनाया। हजराते मोहतरम, इसी तरह नबी करीम अलैहिस्सलाम दी जाते गरामी दा मिलाद नबिया ने मनाया, रसूला ने मनाया। उन्होंने इस तरह मनाया, वो कह रहे सन के रसूल तशरीफ लियानगे, हुजूर दी आमद होवेगी, सरकारे दुआलम आमना दी गोद दी तशरीफ लियानगे। हजराते मोहतरम, उन्होंने इस तरह मिलाद मुस्तफा मनाया। रब्बे जुल जलाल वाली कराम दे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिही वबारक वसल्लम दा ए मिलाद मुबारक इसी तरह उस जमाने तू लैके अज तक और कयामत दी सुबह तक मिलाद मनाया जाएगा। और सरकार दी बारगाह दे अंदर, नबी पाक अलैहि सलाम दी वालदा दी बारगाह दे अंदर, सरकार दे वालिदे ग्रामी दी बारगाह दे अंदर, हुजूर सरकारे मदीना अलैहि सलाम दे आने दे मौके ते खुशी मनाने वाले हजरात दी बारगाह दे अंदर गुलहाए अकीदत पेश करते रहेंगे लोग। अल्लाह ताला कराने वालियां नू करने वालियां नू सलामत बा करामत रखे। जनाबे हाजी मुहम्मद शरीफ साहब इस सिलसिले में मुबारकबाद दे हकदार ने कि अरसा ए दराज तू अलहम्दुलिल्लाह वो सरकार दा मिलाद मना रहे ने। अल्लाह ताला इन्हां दी ये सही जमीला अपनी बारगाह दे अंदर कबूल फरमा के इन्हां नू अल्लाह ताला अजरे अजीम अता फरमाए। हजरात मोहतरम, पहले मिलाद पाक इन्होंने अपने घर में कई साल तो मनाना शुरू किया और इस मरतबा अलहम्दुलिल्लाह इन्होंने मिलाद के वास्ते इस जगह का इंतखाब किया है मस्जिद के अंदर। अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजलो करम के नाल ये मिलाद असी इस तरह मना रहे हैं, कुछ सुन के कुछ सुना के। और मैं देखिया कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नबी करीम अलैहिस्सलाम का मिलाद मनाया, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मिलाद मनाया, हजरत अल्लामा इस्माइल हकी रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमांदे ने कि हजरत जनाबे सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने तमाम लश्कर दे नाल तशरीफ ले जा रहे ने और आप दी शान यह है कि आप तख्त दे उत्ते तशरीफ फरमाने, हवा तख्त नू उड़ा के ले जा रही है। और जनाबे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम दे खुद्दाम व गुलाम पैदल चल रहे ने। जनाबे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम नू ए तख्त लैके जो मदीना तयबा के करीब पहुँचया, उस जमाने अंदर मदीना तयबा के कुर्ब जवार इत्थे सारे पहाड़ ते है सन, जमीना ते है सन, लेकिन कोई आदम बनी आदम इत्थे नहीं सी। कोई मकान, कोई झुग्गी, कोई टहारा, कोई इस तरह कोठी कोई नहीं सी। नबी करीम अलैहिस्सलाम दे इस पाकीजा शहर होने वाले दे करीब तू हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम दे लश्कर ने गुजरना सी। जनाबे सुलेमान अलैहिस्सलाम जदों मुल्क शाम की तरफ जा रहे ने मदीने पाक दे करीब आए, हजरत सुलेमान ने तख्त नू हुक्म दिता तू जमीन ते उतर जा। तख्त ने मुसलमानों हजरत जनाबे सुलेमान की बात सुनी, तख्त जमीन ते उतरिया। जनाबे सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनिया जुतियां उतारियां, जनाबे सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पैदल चलना शुरू कर दिता। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम टुरदे टुरदे ये सारी जमीन उबूर कर गए, पैदल चलते रहे। जनाबे सुलेमान अलैहिस्सलाम दूर जाके जिस वक्त तख्त अगे मौजूद सी उन्हे करीब खड़े हुए तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी नालेने अकदस पहनी। पहनन तो बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपना सज्जा मुबारक पैर तख्त दे उत्ते रखने का इरादा किया तो एक आदमी खड़ा हो गया, कहन लगा जनाबे सुलेमान अलैहिस्सलाम सवार होने तो पहले मैनू ये दसो पिछू तुसी तख्त सवार होके आयो, ऐ थोड़ा जा पहाड़ी इलाका ये तुसी पैदल टुरे हो, अगू फिर तुसी सवार होके जान लगे हो, एदी की वजह है? तो जनाबे सुलेमान अलैहिस्सलाम दा ए पाक पैगाम ते आप दा ए पाक इरशाद आबे जर दे नाल अपने दिलों की तख्ती दे उते लिखना चाहिए। मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु ताला
अलैहि व आलिही व बारक व सल्लम दियो गुलामो, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया तू किस मकसद लिए पूछना है? अर्ज की मेरे इल्म में इजाफा होना चाहिए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं पिछू चल के आया तख्त दे उते सवार होके, अगू भी सवार होके जान लगा, ते फरमाया ए रस्ता में इस वास्ते पैदल ता कीता, जुतियां भी उतार दितियां कि एक जमाना आएगा इत्थे एक अजीम शान शहर बनेगा, उस शहर नू आबाद करने वास्ते, उस नू तमाम तर बुराइयां तू महफूज करने वास्ते और उस दे अंदर एक बेहतरीन पुर फिजा पैदा करने वास्ते एक इंसान मक्के तू हिजरत करके इत्थे तशरीफ ले आएगा, वो 10 साल इत्थे गुजारेगा, ओदा इंतकाल इत्थे होवेगा, ओदी इत्थे कबर बनेगी, ओदा इत्थे गुंबदे खदरा बनेगा। मैं इस जमीन दी इस वास्ते ताजीम की, मैं इस वास्ते इत्थू पैदल टुरिया, ये बंदा कौन सी पूछने वाला? ये वो बंदा सी जिन्हों किताबा वाले तूबा हुमैरी दे नाम ना याद कर देने, और तूबा हुमैरी ये वो शख्स है जिसने सब तू पहले बैतुल्ला शरीफ ते गिलाफ चढ़ाया सी। इस तू पहले बैतुल्ला शरीफ ते गिलाफ चढ़न की कोई रस्म नहीं, लेकिन इस बंदे ने इस मुसलमानों बैतुल्ला दे उते गिलाफ तैयार किया चाड़िया। यही बंदा पुछदा है नबी पाक अलैहिस्सलाम दी गल जदों हजरत सुलेमान दी जबानी सुनी ते पुछया उन्हां दा नां की होवेगा, उन्हां दे वालिद दा की नाम होवेगा, उन्हां दी वालदा दा की नाम होवेगा, उन्हां दा खानदान कहड़ा होवेगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिहड़े कई साल पहले हो चुके ने, ओ जनाबे सुलेमान अलैहिस्सलाम कहंदे ने ए तुब्बा हुमैरी यकीन कर ले उस बंदे दा नाम मुहम्मद होवेगा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जमीन दे उत्ते उन्हां दा ए नाम, आसमान दे उत्ते उन्हां दा नाम अहमद मशहूर होवेगा, मक्के विच पैदा होणगे, उन्हां दी वालदा दा नाम आमिना होवेगा, उन्हां दे वालिद दा नाम अब्दुल्ला होवेगा, कुरैश खानदान विच होणगे, हाशमी कबीले भी दुनिया ते तशरीफ लियाणगे, नबी करीम दियां खूबियां बयान कीतियां। हजरत तुब्बा हुमैरी अखां नीवियां करके हाथ बन के सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने खड़ोते हुए ने और नबी करीम अलैहिस्सलाम दियां खूबियां सुन रहे ने। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तख्त ते सवार हो गए, तुब्बा हुमैरी तेरी रूह नू सलाम होवे, तुब्बा हुमैरी तेरियां कबरां ते अल्लाह दियां रहमतां नाजल होवन, तू कितना खुश नसीब बंदा से। तुब्बा हुमैरी थले खलो के हाथ बन के सुलेमान अलैहिस्सलाम नू कहन लग पे तुसी जाओ मैं नहीं इत्थू जाना। पुछया वजह की है? कहन लगे जड़ा इतनिया शाना वाला रसूल इस जमीन दे अंदर आन के कदम रखेगा, मैं ओदी इंतजार विच बाकी जिंदगी गुजारांगा। मेरे आका नबी करीम अलैहिस्सलाम दे शहर दे मुतलक जदों हजरत तुब्बा हुमैरी ने सुनिया रुक गए, वापिस आ गए और वापिस आ गए, आके जिस तरह मक्कातुल मुकरमा दे अंदर उस मुसलमानों इंतहाई बड़ा गंदा इलाके दे अंदर चटियल मैदान ते पहाड़ी इलाके अंदर जिस तरह हजरत हाजरा ने इस्माइल अलैहिस्सलाम ने इब्तदा रखी सी, इसी तरीके नाल इस शहर दे अंदर हजरत तुब्बा हुमैरी ने कखां नूं कठियां करके पत्थर जोड़ के झुग्गी बनाई ते विच झुग्गी दे बह के अर्ज कीती रब्बे करीम मैनू इतनी उम्र अता कर, मैं तेरे नबी दा इस्तकबाल करां, तेरा नबी आवे मैं ओदे कदम चुम्मा, मैं ओदे चेहरे दी ज़ियारत करां। तुब्बा हुमैरी रज़ी अल्लाहु ताला अन्हो ने सरकारे दो आलम अलैहिस्सलाम दे शहर दे अंदर इब्तदा कीती। पता इन चलदा है पता इस तरह चलता है कि मदीना तैयबा की इब्तदा भी इसके रसूल ते होई सी जी, मदीना तैयबा की इब्तदा इसके रसूल ते होई सी। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस शहर के मुतलक दुआया कलेमात भी कहे और अर्ज की तू जिंद या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह तू शहर जिस दे अंदर आबाद होया है, या रसूल अल्लाह मैं शहर दे वास्ते अल्लाह दी बारगाह दे अंदर दुआ करना,
खुदा तुझको रखे मदीने के खिते, खुदा तुझको रखे गरीबों फकीरों के ठहराने वाले, गरीबों फकीरों के ठहराने वाले। जरा अंदाजा फरमाओ, तू बाहु मेरी उत्ते बढ़ापा तारी होया, बीमारी दे असरात जड़े ने गालिब होए, मौत करीब होई, आपने अपने बेटे नू बुलाया, फरमाया बेटा मैं ते दुनिया तू जान दी तैयारी करना, मेरा एक